हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो हम लोग का हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट 1 रीड टू द वाइल्ड सेवियर, जिसमें अली भाई अपनी स्टोरी सुना रहे थे, जिसमें अली भाई ने मादा चीता और रीच के बीच में जो लड़ाई होती है उनका वर्णन किया था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो उसके आगे कुछ ऐसा होता है कि अली भाई बोलते हैं, जो मादा चीता ने अपने बच्चों को जैसे बचाया, तो उसके बारे में अली भाई बोलते हैं, द मदर इंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इंसिस्ट का मतलब होता है कि उनकी जो प्रवृत्ति होती है, सहज वृत्ति होती है, वो ऑफ प्रोटेक्टिंग यानी कि बचाव करने की। तो अली भाई बोलते हैं कि ये जो मादा चीता होती है, मादा चीता नहीं, सभी माताओं के बारे में बोल रहे अली भाई, कि माताओं की अपने बच्चों को बचाने की सहज प्रवृत्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बलपूर्वक होती है। मतलब कि वो माता अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई भी जंग आसानी से लड़ सकती है। अली भाई, सी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटू डेथ फॉर हर यंग वन, सेड राम सिंह। तो आगे राम सिंह ऐसा बोलते हैं कि ये जो माता होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकती है। यस, यू आर राइट, हाँ आप सही हो। सेड द मदर लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन। तो आगे क्या होता है, जब ये सब बात चलती है तो उसके बाद में जो नीलम और अर्जुन की माता होती है वो नीलम और अर्जुन के स्माइलिंग फेस यानी कि मुस्कुराते हुए चेहरे को प्यार से देखती है। आगे अली भाई कंटिन्यूड यानी कि अली भाई बोलते रहे, उनका जो बोलना है वो जारी रहा। द ह्यूज बियर यानी कि बड़ा रीच, थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड। तो जो मादा चीता थी उससे तीन गुना बड़ा था। स्टूड अप ऑन हिज हिंड लेग्स, हिंड लेग्स यानी कि उसके जो पीछे के पैर होते हैं उन पे खड़ा रहा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार जब उनकी जंग होती है तो वो अपने आगे के जो दो पैर है वो खड़े करके पीछे के दो पैरों से छलांग मारने की कोशिश करते हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज बिग स्ट्रेच आउट हिज बिग पॉ विथ स्ट्रॉन्ग शार्प नेल। तो क्या करते हैं, उसके जो पॉ यानी कि पंजे, जो उसके मजबूत पंजे थे, उसने उन्हें स्ट्रेच किया यानी कि फैलाए, कैसे, जो उसके जो बड़े बड़े नाखून थे उनके साथ। ही शोड हिज टीथ, उसने अपने दांत दिखाए, गुस्से में जैसे दांत दिखाते हैं वैसे उसने अपने दांत दिखाए। एंड ग्रोल्ड, और क्या किया, उसने अपनी आवाज़ें करना शुरू किया। द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकेंड, तो जो मादा चीता थी उसने उसकी तरफ एक सेकेंड तक देखा। स्नेल्ड एंड विथ अ लैप नॉक्ड डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर। स्नेल्ड यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, गुस्से से जो जोरदार आवाज़ करते हैं उसे बोलते हैं स्नेल्ड। ओके, तो आगे क्या किया कि मादा चीता ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और ज़ोर से आवाज़ की, और उसके बाद में क्या, ब्लैक मॉन्स्टर यानी कि काले जानवर या काले राक्षस को नॉक डाउन यानी उसे नीचे गिरा दिया। द वूल वैली एनॉक विद द साउंड्स ऑफ देयर फाइट, मतलब पूरी जो वैली थी, जो पूरी घाटी थी, वहाँ पर इन दोनों के जो लड़ाई थी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द स्नॉल लेपर्ड वॉज स्विफ्ट एंड जम्प्ड अबाउट फ्रॉम वन साइड टू साइड ट्रिंग अवे बिग पीसेस ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बियर। तो मादा चीता ने बाद में क्या किया कि मादा चीता इधर से उधर कूद रही थी, जम्प्ड अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इधर से उधर कूदी, और उसके बाद में क्या किया मादा चीता ने, जो काला रिंच था उसकी जो बॉडी थी, फरी स्किन यानी कि उसकी जो काले रंग की जो रुवाटेदार चमड़ी थी उसे तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। द बल्की एंड स्लो बियर फेल टू इंजर हिज एनिमी। तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि भारी शरीर वाला और
स्थील बल्कि यानी कि भारी शरीर वाला, एंड स्लो बियर यानी कि स्थील बियर, शिथिल बियर, शिथिल ड्रिंक्स जो है वो फेल्ड हो गया, नाकाम हो गया, किसको? अपने दुश्मन यानी एनिमी को हराने में या इंजर करने में, यानी कि उसे कुछ हानि पहुंचाने में वह सक्षम नहीं हुआ। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ये जो लड़ाई थी उनकी कम से कम 10 मिनट तक चली। थैंक यू, इसका आगे का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।